अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, आप लोग सब सेफ होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, नमाज पढ़िए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बैंक जो SCERT की जानिब से आया है। आज हम देखने वाले हैं साइंस सेकंड का, जो हमारा साइंस सेकंड है हमारा, उसका छठा चैप्टर। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बैंक है उसके पाँचों चैप्टर पर मैंने बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्च 2021, आपको ये हिदायत पता है क्यों दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं छठा चैप्टर। देखिए लिखा है क्वेश्चन बैंक, मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी, हिस्सा दुअम, सबक नंबर 6, हैवानात की जमात बंदी। सवाल नंबर 1 का ए है, दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। हर एक के लिए एक नंबर है। पहला है इस्तवाना नुमा जिसम वाले हैवानात का जिसम अगर छतरी नुमा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे डैश कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है मुहास कहते हैं, यानी जो ऑप्शन बी है मुहाज, वो राइट है आपका। दूसरा है डैश सर्द खून वाला हैवान है, तो ए ऑप्शन में आपको चमगादड़ दिया गया है, तो ये तो ये है गर्म खून वाला हैवान आता है। तो ये जो बी है ना, सांप, सांप सर्द खून वाला हैवान है, बी यानी राइट है, बी ऑप्शन। तीसरा है जोरदार पैर वाले हैवानात के जिस्म का बैरूनी गिलाफ डैश से बना होता है, तो ऑप्शन डी काइटन है ना, काइटन से बना होता है। ओके, चौथा है सेप या सदफ का बाहरी सख्त खोल डैश मुरकब से बना होता है, तो ऑप्शन सी जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ओके, जो पांचवा है नली नुमा पैर के जरिए हरकत करने वाले हैवाना दर्जेल किस आइले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऑप्शन ए जो है शोकादार जिल्द वाले, ये राइट है, क्योंकि जो नली नुमा पैर के जरिए जो हरकत करने वाले हैवानात हैं ना, वो शोकादार जिल्द वाले आइले से ताल्लुक़ रखते हैं। बी है दर्जेल सवालत हल कीजिए, हर एक के लिए एक नंबर है। मंदरजा जेल खाली जगह पूरी कीजिए। पहला है मसामदार जिस्म वाले हैवानात में डैश तशाकुल पाया जाता है, तो जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे गैर लिख लीजिए, या तो फिर मैं बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग गैर लिखिए, गैर। ठीक है, और दूसरा है शोकादार जिस्म वाले हैवानात डैश के जरिए हरकत करते हैं, तो यहाँ पे आएगा नली नुमा पैर के ज़रिए। ठीक है, नली नुमा पैर आप लोग लिख लीजिए। ओके, उसके बाद तीसरा है मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। पहला है ज़ोरदार पैर वाले हैवानात, तो आएगा काइटन। ठीक है, यानी आप लोग इसको काइटन को लगाएंगे, ये काइटन होगा इसका। और दूसरा जो है नरम जिस वाले हैवानात, तो ये आएगा मेंटल। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है दूसरी जोड़ी दी गई है, उसमें दिया हुआ जो पहला है पेट्रोमाइजान, तो इसका आएगा ये गोल मुंह वाले, और दूसरा जो है ये स्लाम, तो इसका आएगा जल थलिए। ठीक है, आप लोग लगा लीजिए जवाब में, यानी इसके सामने आपको ये इसका नाम लिखना और इसके सामने इसका नाम। ठीक है, जवाब में। ओके, उसके बाद है पांचवा है दिया गया बयान सही है या गलत। ए है मगरमच्छ जल थली जमात से ताल्लुक़ रखता है, तो ये बयान गलत है, क्योंकि जो मगरमच्छ है वो रेंगने वाले जमात से ताल्लुक़ रखता है। बी है शोकादार जिस्म वाले हैवानात नली नुमा पैर के जरिए हरकत करते हैं, तो ये राइट है, सही है। छठा है मुतफर्रिक जो जलायदा कीजिए। ए है आनिति दुआदा फेल्पा दुआदा लोआ लोआ प्लानेरिया, तो ये प्लानेरिया अलग है। बी है रोहू मेंढक चिपकली हाइड्रा, तो हाइड्रा अलग है। ठीक है, उसके बाद है सातवा है दी गई निस्बत के दो अरकान के ताल्लुक के मद्देनज़र पहली दूसरी निस्बत मुकम्मल कीजिए। ए है हबलिए तोता, तो गैर हबलिए क्या आएगा, एक सेकेंड ना, गैर हबलिए यहाँ पे आएगा हाइड्रा, हाइड्रा। ठीक है, आप लोग हाइड्रा लिख लीजिए। उसके बाद है बी में है हाई लियोनिमा मसामदार जिस्म वाले, तो लियो रिफ्लिक क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चपटे दो दे। ठीक है, चपटे दो दे लिख लीजिए। हाँ,
उसके बाद है आपका सवाल नंबर 2 का 1 है, दर्ज झेल की साइंसी वजूहात लिखिए, हर एक के लिए 2 नंबर है। पहला है परिंदों के जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल होता है, इसका आंसर ना आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 पे है, मैं बता रही हूँ आंसर, आप लोग लिख लीजिए। हाँ आप लोग पेज नंबर 74 पे आ जाइए, उसके बाद मैं बता रही हूँ आंसर। देखिए आपको यहाँ नज़र आएगा हाँ जमात परिंदे, ठीक है। इसका जो ये दूसरा पॉइंट है, परिंदे गर्म खून के हैवानात हैं, यानी ये अपने जिस्मानी दर्जे हरारत को मुस्तकिल रखते हैं, इनका जिस्म गादूम होता है ताकि हवा की मुजाहमत कम से कम हो। यानी आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, डायरेक्टली यानी कंटिन्यूअस लिखना है, ठीक है। यानी ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, पॉइंट नहीं बनाना। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है केचुआ और मेंढक खुश्की और पानी दोनों जगह रहते हैं, फिर भी केचुए का शुमार जल थलिए में नहीं किया जाता। इसके पॉइंट्स है मैं आपको बता देती हूँ, चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, ये जो है लार्वा मरहले, एक सेकेंड बताती हूँ, ये जो दिखा हुआ है ना पॉइंट नंबर 1, आपको पॉइंट नंबर 1 दे के यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आंसर है लार्वा मरहले में ये हैवानात मुकम्मल आबी होते हैं और सिर्फ आबी तनफ अंजाम देते हैं, जबकि बालिग होने के बाद ये पानी और खुश्की दोनों जगह रह सकते हैं और आबी तनफ्स और हवाई तनफ्स दोनों अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इन्हें जलथलिया कहते हैं। इसके बाद बिना इसके 2 पॉइंट और है, मैं वो बता देती हूँ, अगर आपका स्किप होगा ना तो प्लीज़ बैक करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। यानी मैंने आपको आपका जो इसका केचुआ और मेंढक खुश्की वाला जो ये क्वेश्चन है ना, इसका पहला पॉइंट बताइए आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 पे। इसका दूसरा पॉइंट है, केचुआ जब पानी में होता है तब वो अपने आबी तनफ्स के जरिए सांस लेता है, और जब वो खुश्क पे रहता है तब वो हवाई तनफ्स के जरिए सांस लेता है। तीसरा पॉइंट है इसी का, खुश्की और पानी में रहने के अलावा भी इनमें बहुत सी खसूसियात रेंगने वाले जमात से मिलती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, इसीलिए इन्हें जलथलिया हैवानात नहीं कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, जोंक यानी लीच का इस्तेमाल आयुर्वेदिक इलाज में किया जाता है, इसका आंसर बताती हूँ। देखिए जब आप पानी में कभी गए होंगे तो जो जोंक होता है ना लीच, वो क्या होता है हमारी बॉडी पे चिपक जाता है और वो खून चूसना स्टार्ट कर देता है। तो इसके ज़रिए क्या सोचे कि जो डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर आपकी बॉडी से, इंसान की बॉडी से ना अगर गंदा खून निकालना हो ना उन्हें, तो वो इनके लीच के ज़रिए यानी जोंक के ज़रिए भी निकालती हैं। तो इस तरह ये आयुर्वेदिक इलाज में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं इनसे, ठीक है। चौथा है, जेली फिश से अगर हमारा जिस्म मस हो जाए तो इस जगह जलन होती है। इसके पॉइंट्स है मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग पॉइंट नंबर 1 लिख कर लिखेंगे, मैं यहाँ बता देती हूँ, एक करके लिखेंगे, जेली फिश आइला इस्तवाना नुमा जिस्म वाले हैवानात से ताल्लुक़ रखती है। इसका पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के लिए आप लोग ना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67 पे आ जाइए, उसमें लिखा हुआ है आयला इस्तवाना नुमा जिस्म वाले, ठीक है। उसका जो चौथा पॉइंट है, ये इन हैवानात के मुंह के अतराफ, ये जो ये वाला चौथा ये पॉइंट है उनका, उसका पूरा चौथा पॉइंट ले लीजिए, हो जाएगा ये आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरे में आपको लिखना है इसीलिए जेली फिश, जो क्वेश्चन है आपका वो लिख देना, ठीक है। तो आपका तीनों तीन पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट की तैयारी में केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि जो केचुए होते क्या होते हैं, बारिश के दिनों में निकलते हैं यानी गीली जगहों पे। तो क्या होता है कि जिस खेत में, यानी अगर आपको जिस खेत में खाद डालना होता है मसनूई खाद, तो उस खेत में गड्ढे खोद कर जो गीले कचरे होते हैं उसको डालकर, जो गल सकते हैं गीले कचरे उन्हें डालकर, और केचुआ खुद ब खुद उसके नीचे आ जाता है, वो ज़मीन क्या होती है, जरखेज़ हो जाती है। जब जरखेज़ ज़मीन हो जाती है तो पैदावार भी अच्छी होती है फसल की। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्मी कंपोस्ट की तैयारी में केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या बोलते हैं कि जो ये है ना, केचुए को किसान का दोस्त भी कहा जाता है। तो आप लोग इसमें से जो मैंने बताया उसमें से 2-3 पॉइंट बना सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, बेलेनोग्लासेस फिक्री और गैर फिक्री की दरमियानी कड़ी है। इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ,
आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 पे है। पेज 71 पे जो ये येलो कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, इर्तका के नज़रिए के मुताबिक बेलेनो ग्लासेस, ये पूरा आपको लिखना, यानी येलो वाला जो ये है, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल भी है, दी गई हिदायतों के मुताबिक दर्जन सवाल के जवाब लिखिए, हर एक के लिए 2 नंबर है। पहला है हाइड्रा की साफ सुथरी नामक शक्ल बनाइए, तो इसका आंसर ना आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67 पे है, देख लीजिए। पेज 67 पे देखिए हाइड्रा की शक्ल बनी हुई है, आप लोग इसको देख के बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह बना दें, जो भी नेम उम लिखे हुए सब कुछ लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है, आयला शोकादार जिस्म वाले हैवानात की खसूसियात दी, इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 पे है। पेज नंबर 71 पे ही आपको सही हेडिंग नज़र आएगी, आयला शोकादार जिस्म वाले, इसमें आपको 6 पॉइंट बताएगी, इसमें से आप कोई भी 4 पॉइंट लिख ले आप अपनी सहूलत के मुताबिक, ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बताया गया है ना। तीसरा क्वेश्चन है, हबलिए और गैर हबलिए के दरमियान फ़र्क लिखिए, आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62 पे यहाँ अलिफ में लिखा हुआ है गैर हबली, और पेज नंबर 63 पे हबलिए के बारे में बताया हुआ है, तो इन दोनों में आप पॉइंट जो देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है वो देखकर कोई भी 3 से 4 पॉइंट लिख दे, ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मंदरजा झील हैवानात के नाम और वो किस आइले से ताल्लुक़ रखती है, तो ये जो ए है इसका नाम है तारा मछली, और ये है नर, आपको पेज नंबर 71 पे भी इसके बारे में बताया गया, यानी ये जो है ये तारा मछली है और ये शोकादार जिस्म वाले आइले से ताल्लुक़ रखती है, और इसका नाम है सी अर्चन, और ये भी शोकादार जिस्म वाले जिल्द वाले से ताल्लुक़ रखती है, शोकादार जिल्द वाले से, ठीक है। तो आप लोग 71 पे भी लिखा हुआ है और मैंने ही बता दिया, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद है पांचवा है, दी गई शक्ल को नामज कीजिए, तो इसका आंसर ना आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 69 पे बताया गया है। एक सेकेंड, पेज नंबर 69 पे देखिए ये जो केचुए की शक्ल है वो बताई हुई है, देख के और इसके जो नेम लिखे हुए आपको लिखने के वो देख कर लिख लीजिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, मंदरजा झील के मुख्तसर वजाहत कीजिए, ए है गर्म खून वाले हैवानात, तो गर्म खून वाले हैवानात क्या है उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, तारीफ लिख दीजिए, और फिर क्या वजह है, क्या रीज़न है वो लिख दीजिए, और मसलन डाल के 1-2 नाम लिख दीजिए, ठीक है। और बी में भी सर्द खून वाले हैवानात बोला गया, तो आप पहले डेफिनेशन यानी तारीफ लिख दीजिए, और फिर वजह बता दीजिए क्या है सर्द खून वाले हैवानात, क्यों है ये, और फिर 1-2 मसलन डाल के 3रा पॉइंट और 1-2 नाम लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सातवां है, दर्जेल सवालों के जवाब लिखिए, ये है किस आइले के हैवानात चट्टानों से चिपके होते हैं, तो इसका जवाब है मसामदार जिस्म वाले हैवानात चट्टानों से चिपके होते हैं। बी है इनके जिस्म को कांटों का सहारा होता है, ये कांटे किससे बने होते हैं, इसका आंसर बताती हूँ, तो आपका जो बी का आंसर है वही देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, आपको मैंने बी लिखी और यहाँ से यहाँ तक लिखी हूँ, आपका आंसर कम्प्लीट हो जाएगा, बी में लिख लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दी गई हिदायतों के मुताबिक दर्जेल सवाल के जवाब लिखे, हर एक के लिए 3 नंबर है। पहला मंदरजा झील दी गई जानदार की साइले से ताल्लुक़ रखते हैं, लिखिए और इनके जानदारों के नाम भी लिखिए। ये जो एक है ये नाम इसका तितली आएगा और आइला आएगा जोरदार पैर वाले, और ये जो है इसका नाम आएगा तारा मछली, और आइला आएगा शोकादार जिस्म वाले जिल्द वाले, शोकादार जिल्द वाले, और ये जो तीसरा है इसका नाम आएगा ये है जोक, और आइला जो है नाम है जोक, और आइला है हल्के दार दूधे, ठीक है, इसका नाम है बेलेनोग्लाइसिस, और आइला है नीम नखाइए, नाम है हस्तपा यानी ऑक्टोपस, और आइला है नर्म जिस्म वाले, ये इसका नाम है, नाम प्लानेरिया है और आइला है चपटे दूधे, ओके। दूसरा है, दर्ज झेल दिए गए जानदार की मदद से खाली जगह पूरी करे, तो ये शक्ल है चमगादड़ की, और ए है डैश की मौजूदगी की वजह से ये जानदार जमात पिस्तानिया से ताल्लुक़ रखता है, तो एक सेकेंड, खाली जगह पे आप लोग लिख लीजिए पिस्तानी वदूद की, एक सेकेंड लिख के मैं बता देती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ पिस्तानी गुदूद की मौजूदगी वजह ये जानदार जमात पिस्तानी से ताल्लुक़ रखता है, और बी है ये डैश खून का जानदार है, तो यहाँ पे आएगा गर्म खून, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे गर्म
खून। दूसरी है इस जानदार का जिस्म डैश डैश और डैश पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सर धर और दुम, सर धर और दुम, ठीक है आप लोग लीजिए। उसके बाद तीसरा है मेरी शनाख्त कीजिए, मेरा जिस्म छतरी नुमा होता है, अगर मैं किसी के जिस्म पे मस हो जाऊँ तो उसे खुजली होती है, जेली फिश लिखिए। बी है मेरा जिस्म लंबा बारीक धागे नुमा होता है और जिस गैर कतादार सख्त पोश से ढका होता है, बताइए मैं किस आइले से ताल्लुक़ रखता हूँ। बी का आंसर होगा ये आइला है ना, गोल दूधे से ताल्लुक़ रखता है, मैं फिक्री और गैर फिक्री की दरमियानी कड़ी है, मुझे एक्रोम भी कहा जाता है, एकोवॉम भी कहा जाता है। तो ये क्या है, बेलेनोग्लाइसेस है, और ये बेलेनोग्लाइसेस या फिर सेकोग्लाइसेस लिख कर, और ये दोनों में से कोई एक भी नाम लिख दीजिए, और आइला नीम नखाइए लिख दीजिए। ओके चौथा क्वेश्चन है जेली आइले फिक्री को कौन सी 6 जमातों में तकसीम किया गया, हर एक की मिसाल लिखे। चलिए इसका आंसर दिखाते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 और 74 में बताया गया है। देखिए बताया हुआ ज़ेली आइले फिक्रिया को 6 मुख्तलिफ जमातों में तकसीम किया गया, अलिफ लिख कर लिखेंगे जमात गोल मुंह वाले, फिर नीचे मिसाल दी गई है उसमें से कोई भी एक नाम लिख दीजिए, आंसर कंप्लीट। बे में लिखेंगे जमात मछलियाँ और कोई मिसालें दी गई उसमें से एक नाम लिख दीजिए, हो गया। जी में जमात जल थलिए लिख कर और उसके बाद मिसालें एक कोई भी लिख दीजिए, हो जाएगा। दाल में जमात रेंगने वाले और मिसाल में कोई भी एक लिख दीजिए, हो जाएगा। और जमात परिंदे लिखकर मिसाल में कोई भी एक नाम लिख दीजिए, हो जाएगा। और जो वाव है जमात पिस्तानी है वो लिखकर कोई भी एक मिसाल दे दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है मंदरजा झेल सवाल के जवाब लिखिए, जो शक्ल दिखाई गई है साइकान की है। क्वेश्चन ए है ऊपर दिया गया जानदार किस आइले से ताल्लुक़ रखता है, तो ये है मसामदार जिल्द वाले, मसामदार जिस्म वाले आइले से ताल्लुक़ रखता है। बी है इनमें किस किस्म का तशाकुल पाया जाता है, तो गैर तशाकुल पाया जाता है। सी है इस जानदार में पानी जिसमें दाखिल करने और जिस्म के बाहर खारिज करने के लिए खास मसामात होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो कॉलर खुलियात लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद है कॉलर खुलियात हो गया। इसके बाद ये छठा क्वेश्चन है तितली और चमगादड़ के दरमियान फ़र्क लिखिए, तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बुक का ही आप लोग लिख लीजिएगा। तितली जो है अलग है और चमगादड़ भी आपको दिखाया हुआ है आपकी चमगादड़ का पेज नंबर 74 पे बताया हुआ है, तितली का आप ये भी टेक्सचुअल ही है। सातवां जमात गोल मुंह वाले जानदार की इम्तियाजी खसूसियात लिए, इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 पे देखिए, आप बताया हुआ अलिफ जमात गोल मुंह वाले 5 पॉइंट बताए गए हैं, आप लोग लिख लीजिए। सवाल नंबर 4 है दर्जन सवाल के जवाब लिखे, हर एक के लिए 5 नंबर है। पहले सबसे पहले आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। ए है शोकादार जिस्म वाले हैवानात किस उद्धू के जरिए हरकत करते हैं, तो ये देखिए जो शोकादार जिस्म वाले हैवानात होते हैं वो नली नुमा पैर के जरिए हरकत करते हैं। बी है कौन सी जमात के हैवानात के अगले जरहे पड़ों में तब्दील हो जाते हैं, देखिए पड़ों से मुराद तो परिंदे के तब्दील हो जाते हैं, जो परिंदे होते हैं ना उनके अगले जरहे पड़ों में तब्दील हो जाते हैं यानी परिंदों के। सी है किस जमात के हैवानात में कमज़ोर जारे होते हैं, देखिए आपको यहाँ नीचे लाइन में नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है सांप की जमात के दीगर हैवानात के भी जराए कमज़ोर होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं ना सांप के जराए कमज़ोर होते हैं ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। डी है मछलियों का जिस्म गादुम क्यों होता है, क्योंकि जब मछलियों को तैरने के लिए आसानी हो, मछलियों का जिस्म इसलिए गादुम होता है ताकि उन्हें पानी में तैरने के लिए आसानी हो। ई है केकड़ा किस आइले से ताल्लुक़ रखता है, जो केकड़ा है ना वो जोरदार पैर वाले हैवानात से ताल्लुक़ रखता है, यानी जोरदार पैर वाले से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद है दर्जल खाका मुकम्मल कीजिए और दोबारा लिखिए, ठीक है। पहले दिया हुआ है आलिम हैवानात, बताती हूँ आलिम हैवानात के 2 किस्में, जेली गैर हबली है और दूसरा है यहाँ पर आएगा हबली है, ठीक है हबली है ओके। और उसके बाद है इब्तदाई हैवान मसामदार जिस्म वाले, इसमें लिखेंगे इस्तवाना नुमा जिस्म वाले, और इसमें उसके बाद दिया हुआ है गोल दूधे, तो यहाँ पे आएगा चपटे दूधे, और उसके बाद दिया हुआ है हल्के
हल्केदार दूधे, उसके बाद आप जो खाली उसमें लिख दीजिए जोरदार पैर वाले दूधे, और उसके बाद देख लीजिए जोरदार पैर वाले दूधे लिख लीजिए, उसके बाद नरम जिस्म वाले दूधे लिख दीजिए, हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया गया कि यहाँ पे जो ये है ना इसमें फिक्रिया आएगा, इसमें फिक्रिया लिख दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद जो ये फिक्री है इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, नीचे इसमें तकसीम किया गया है 6 जमातों में। तो पहला है गोल मुंह वाले, तो इसमें आएगा मछलियाँ, इसमें तीसरा जलथलिया है, तो चौथा रेंगने वाले आएंगे, और पांचवा परिंदे है, तो छठा पिस्तानी आएंगे ठीक है। उसके बाद आपको इनकी मिसालें बताई गई है, बताती हूँ मैं। एक इसका जो है इसका बताया गया है जो जल थली सॉरी इसके मछलियों के यहाँ पे बताया है कुर्री हड्डी, तो यहाँ पे आएगा जो खाली है यहाँ पर आएगा हड्डी वाले। ओके आपका ये पूरा वेब मुकम्मल मैंने कर दी, आप लोग भी लिख लीजिए ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है दर्ज ज़िल जदोल मुकम्मल कीजिए, देखिए बताया गया है आइला खसूसियात मिसालें ठीक है। तो देखिए जो आयला बताया गया ना आयला, उसमें पिस्तानी है रेंगने वाले, तो जो पिस्तानी है तो पिस्ताने की खसूसियात लिख दीजिए और कोई भी एक मिसाल दे दीजिए, रेंगने वाले हैं तो रेंगने वाले की कोई भी एक कोई खसूसियात लिख दीजिए और एक मिसाले दे दीजिए ठीक है। और देखिए उसके बाद ये डैश खाली इसमें मिसाले में बोला गया है रोहू, तो रोहू का क्या कीजिए, रोहू जो दिया हुआ ना उसकी खसूसियात क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको आयला ढूंढी कि आयला रोहू किस में आ रहा है ठीक है। तो देखिए रोहू है ना आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 में बताया गया है जमात मछलियों से ताल्लुक़ रखता है ना, तो यहाँ पे आयले में लिख दीजिए मछलियाँ और उसकी खसूसियात लिख दीजिए, मिसाले रोहू तो दिया ही हुआ है। उसके बाद है गर्म खून वाले, खसूसियात बताई हुई, तो गर्म खून वाले आयले कौन से होते हैं, तो परिंदों के होते हैं, तो परिंदे यहाँ पर लिख दीजिए ओके, और यहाँ पे एक मिसाले दे दीजिए। फिर उसके बाद इस तवानानुमा जिस्म वाले, तो वही खसूसियात लिख दीजिए और मिसाले लिख दीजिए ठीक है, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद है चौथा है मंदरजा जिल हैवानात की जमात जमात तक दर्जा बंदी कीजिए, ये आपका टेक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हैं ठीक है। उसके बाद पाँचवा है आयला नखाई को कितनी जेली नखाइयों में तकसीम किया गया है, नाम लिखिए। तो जो आयले नखाई है उनको ना 3 नखाइयों में तकसीम किया गया है, ये जो ए है ए का आंसर होगा कि आयले नखाइए को 3 ज़ेली नखाइयों में तकसीम किया है, नाम लिखिए। तो नंबर 1 लिखेंगे दुमची नखाइए, नंबर 2 लिखेंगे सेल्फिलो कार्डेटा, और तीसरा नंबर लिखेंगे फिक्रिय हैवाना ठीक है। इसके बाद है मंदरजा ज़ैल शक्ल नामज कीजिए, तो ये शक्ल आपको बताई गई आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 पे बताई गई, मैं फ़ोटोज़ दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 72 पे ये शक्ल बताई गई हुई है, बिल्कुल वही शक्ल है। और आप लोग पूरे नाम लिख लीजिए जो भी नेम बताए गए हुए हैं इसके, ओके बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल बना लीजिए, बना दीजिए ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। एंड चलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।